मोदी दे छड़े हुए ब्रह्मास्त्र भस्म हो जाते हैं, सवाह हो जाते हैं। मोदी जिहड़ा चंद महीने पहला कहिंदा सी वी इस कानून दे विच इक लफ्ज़ दी भी मैं सोध नहीं करनी, हुण की कहिंदा? हुण कहिंदा मैं इक फोन कॉल दी दूरी ते बैठा। ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡਾਂਗ ਮੈਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾ ਕੱਢਿਆ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ। ये मोदी बैलेट पेपर के उत्ते मोहर ला के बनया प्रधानमंत्री हुंदा ते इन्ना अड़ी नहीं सी सकता। मनू साडी दादरी असी मनू दे सोए जों जों मनू वड़दा सी दुण सवाए होए। पर एक गल याद रखियो, जिन्ना मोदी जबर ते जुल्म दा कुहाड़ा चलाऊगा अंदोलन उन्ना ही ताकतवर। किसानी अंदोलन नूं दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे होए लगातार 70 तों उपर दिन जिहड़े हो चुके ने, सियासी पार्टियां का भी वख-वख बार्डर से आना जाना जारी आ। तो साढ़े नाल इस वक्त सिमरजीत बैंस मौजूद ने। बैंस साहब, मेरा पहला ही सवाल आ, सियासी पार्टियां के आगू इतने आते हैं, लगातार उन्होंने विरोध हों, तुसीं आउंदे हो शांतमई लंघ जाते हो, कोई विरोध नहीं हुंदा, की कारण है? सियासी लोग दो तरह के आ, एक हैगे आ प्रोफेशनल, एक हैगे आ पैशनेट, एक हैगे आ राजनीति का धंधा करन वाले, एक हैगे जिहड़े राजनीति नूं देशभगति समझदे आ, लोगों की सेवा का मिशन, बेईमाना के खिलाफ जनून। असी लीडर नहीं है, असी वो दोस्त है जिहड़े जून 2020 जो पंजाब के अंदर बहुत गिणती लोगों को पता नहीं सी भी इस खेती सुधार ऑर्डीनेंस की आ, भविख दे विच इन्हां दा की प्रभाव पैना। सब तो पहला पंजाब के अंदर जे बगावत का झंडा चुकया तो लोक इंसाफ पार्टी ने जलियांवाले बाग तो मुख्यमंत्री के घर तक साइकिल यात्रा 10 लाख परचा वंडिया सी भी दोस्तों एक कानून बड़ा माड़ा, इन्हें बेजमीनिया कर देने किसान। उदों बहुत सारे लीडर दूजिया पार्टियां साडा मजाक उड़ाउंदे सी, कहिंदे एवें खाम खाई गर्मी जे काठियां तोड़न लगे आ साइकलां दीआं, इहनूं पता ही कुछ नहीं गा। सो अज गुरु कृपा है विश्व व्यापी अंदोलन जिहनूं तोड़न वास्ते, जिहदी ताकत घटाउण वास्ते केंद्र सरकार दा अड्डी चोटी दा जोर लग्या है, तां गुरू दी रहमत आ ना, बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत प्रकृति 'च वसदी है, तो सारे दोस्त प्रकृति के पुजारी बैठे आ इत्थे, फिर कुदरत क्यों ना मेहरबान होगी। मोदी के छड़े हुए ब्रह्मास्त्र भस्म हो जाते हैं, सवाह हो जाते हैं। सो इस करके ये अंदोलन 101% जित के अंदोलनकारी संगत इतों जाऊगी। वो मोदी जिहड़ा चंद महीने पहला कहिंदा सी इस कानून दे विच इक लफ्ज़ की भी मैं सोध नहीं करनी, हुण की कहिंदा? हुण कहिंदा मैं इक फोन कॉल की दूरी पर बैठा। मतलब कि मच्छी पत्थर चट के मुड़ियाई है। एक गल मैं होर दस दिना, ये जिहड़ा एडा अड़ियल बनया होया ना, जे ये बैलेट पेपर के उत्ते जित के बनया प्रधानमंत्री हुंदा दोस्त, एक कदे इन्ना अड़े नहीं सी सकदा। ये ईवीएम की ठगी जो पैदा होया है सरकार का प्रधानमंत्री आ, जिन्हों वोटर की कदर का नहीं पता, वोटर की कदर का MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उन्होंने बैलेट पेपर का डर हुंदा भी मैं फिर बैलेट पेपर लैके वोटर को जाना, इनू बैलेट पेपर का डर नहीं, ईवीएम की कुंजी को। सब तो वड्डा जिहड़ा तानाशाह बनया ये ईवीएम ने बनाया होया इनू। पर दोस्त ये दस्तूर आ, अत ते खुदा का बैर आ, अत अंत च तब्दील हुंदी आ, अत दे उत्ते अदक लग्गिया घुम के टिप्पी बन जाता, हुणे अंत आ। इहदा मूँह पै गया सी ला नोटबंदी, GST, 370, NRC, 3 तलाक, मूँह पै गया भी ये तो भेडा बकरियां ने, 135 करोड़ लोग। तो डेमोक्रेसी की डांग मैं तानाशाह बन गया, मेरे हाथ आ हकी चलो इन्हों। ये आ गए जय जवान ते जय किसान, जिहड़ा नारा लग्या ना, नारा लिखा ट्रालियां पिछे, गड्डियां बसां दे पिछे, ट्रकां पिछे, उहदा मकसद आ जय जवान तां बैठा ना, जय किसान बॉर्डर के उत्ते आ, जां जय जवान जिहड़ा थाणियां दे अंदर आ,
90% सारे तो नहीं मैं कहूँगा सामने करते मैं मानता थोड़ी गल वो 90% जय किसान दे नाल हैगा दिल तो ये इनपुट इस रिपोर्टा गुप्तचर विभाग दियाँ सी आई डी दियाँ सरकार को भी आ भी बॉर्डर के उत्ते राखी करते रखवाले जोड़े देश भगत लोग आ फौजी वीर आ वह भी इस अंदोलन के हामी आ इस करके अंदोलन ये जो मर्जी कर लवे 26 जनवरी वर्गिया साजिशा जिदा कि चंगे तरीके जनाजा कढ़िया टकैत साहब की दलेरी ने नहीं तो पंजाब तो आए लोगों को कहता सीधा खालिस्तानी है तो अत्तवादी ने उन्होंने हंजुआ ने मोदी दिया सारिया साजिशा के उत्ते सुआह भुक दी पानी फेर दिता बैंस साहब लगातार मोदी के जोड़े निशाने कसे जाते हैं तो लगता कि कई बार असं गलबात करते हैं कहते मोदी ने देश में चला रहा देश में कोई होर ताकत जड़िया और डीप नेशन की गल होंगी एक होर ताकत जड़िया वो चला रही मोदी सिर्फ एक मोहरा ताकत कि ने ताकत कारपोरेट ने तीन घराने जोड़े सरकार चला रहे तीन घराने इन्हों इलैक्शन लड़ाते खरबा रुपया सैकड़े करोड़ रुपया वो इनवैसट करते वो पॉलिसिया बना के देंगे वो कहें भी आनु असी खरड़ा देता ये ड्राफ्ट देता ये अनुसार कानून बना के दौ सू जे मोदी मैं फिर कहना जे मोदी बैलट पेपर के उत्ते मोहर ला के बनया प्रधानमंत्री हों तो इन्ना अड़ी नहीं सकता फोन कॉल की गल की एक पास फोन कॉल की गल की जाइए प्रधानमंत्री वालों दूसरे पास वे वे बैरीकेड किए जा रहे हैं सख्त किए जा रहे हैं बैरीकेडिंग लगातार असं देख के परसों दिखाया कि सरिए लगा के जोड़े आ टिप्पर बार्डर बंद किया जा रहा पत्थरबाजी भी किसानों उत्ते की जा रही है पत्थरबाजी डांगा सूए सड़कों पर गिरने बंकर बनाने युआपा के तहत FIR दर्ज करनिया सैकड़े नौजवान फड़ के जेलों से सुट देने नजायज हिरासतों के 80 तो वध नौजवानों का पता नहीं लग रहा वो थाणियां दी हवालातों गैर कानून हिरासत के सानू वक्ती तौर पर बड़ा परेशान करने वाला सुभाव हैगा जिसमानी तौर पर तंग आ जिहड़े दोस्त जेलों या हवालातों से बैठे आ पर अंदोलन की एक ताकत आ खुराक हैगी अंदोलन की यह मनू साडी दात्री असी मनू दे सोए ज्यों ज्यों मनू बढ़ता असी दूण सवाए हुए अज रिहाना वो साड़ी कड़ा भैन लगती है जां साड़ी कोई रिश्तेदारी चो कोई मासी चाची ताई हैगी आ वो रिहाना जिदे सोशल अकाउंट ते 10 करोड़ तो वध लोग जुड़े हुए आ 10 करोड़ लोगों की रह की उन्हें की कहा कहिंदी फंडामेंटल दा फंडामेंटल राइट्स का मर्डर हो रहा डेमोक्रेसी खतरे दे विच आ राइट टू स्पीक बोलन की आजादी के उत्ते अज ताला लाने का यतन किया जा रहा नैट बंद कर दिता ये साढ़े लिए एक बहुत वड्डी खुराक है अंदोलन वास्ते साडा अंदोलन जिन्ना जबर ते जुलम सानू जिस्मानी तौर पर दुख आ मानसिक तौर पर तसीहे आ पर एक गल याद रखियो जिन्ना मोदी जबर ते जुलम का कुहाड़ा चलाऊगा अंदोलन उन्ना ही ताकतवर होगा अभी देखिया जी जदों वड्डे बैंस साहब आए स्टेज तो अनाउंसमेंट होंगी उन्होंने बारे भी अपना जत्था लैके पहुँचे ने इतने जिमें जथेबंदियों के मतभेद चल रहे दो स्टेजा लगिया हुई कि तुम एक कड़ी बनोगे कि इन्होंने कट्ठिया किया जाए सारे टीवी चैनलों के जरिए 2 दिन हो गए मैं अपील करते हैं गुरु रामदास साहब के चरणों से असी 200 किलोमीटर 26 तरीक तो बाद 26 तरीक की रात जिहड़ा दर्दमंद बंदा ना उन्होंने नींद नहीं आई जिहड़ा अंदोलन के नाल दिल तो जुड़िया उन्होंने नींद नहीं आई वो परेशानी के विच सीगा मैं अरदास बेनती गुरु साहब के चरणों च की भी गुरु साहब गुरु रामदास जी कृपा करो असी डंडौत साइकलों से करते दरबार साहब आवांगे अंदोलन नूं ताकत दिओ असी 200 किलोमीटर सफ़र किया फतेहगढ़ साहब तो दरबार साहब फतेहगढ़ साहब तो जथा तोरिया फिर लुधियाने तो तोरिया फगवाड़े तो तोरिया जलंधर तो तोरिया कल असी आप अकाल तख्त साहब के सन्मुख अरदास बेनती करके अंदोलनकारी संगत चढ़ती कला च रहे हौसले बुलंद रहन इन्हां दे और अंदोलन की सफलता की अरदास अरदास बेनती करके असी अंदोलन और 2 दिन बाद असी एक प्रोग्राम टकैत साहब की दलेरी नूं सलूट मारन लई सोने की कई बननी दिती है वो असी 2 दिन बाद फिर आ जाना वो सोने की सोने की कई किसी जूलर तो पैसे दे के नहीं खरीदी किसी ने अपना सोने का कड़ा किसी ने वालियाँ किसी ने मुंदी वो तो मकसद है भी सानू टकैत साहब की दलेरी साढ़े सोने के गहने नालों ज़्यादा प्यारी आ ये साढ़े सोने के गहने कुछ भी नहीं जो टकैत साहब का देन ते दलेरी हैगी समूह पंजाबियों वालों भी नहीं मैं कहता भी लोक इंसाफ पार्टी बैंस जां साथियों नो समूह पंजाबियों वालों ये कई मेरी साड़ी दिली ख्वाहिश इच्छा कि काश किते किसान संयुक्त मोर्चे के लीडर साहबान अपने कर कमलों द्वारा देन एंड मेरी अपील हैगी चाहे वह छोटा वीर दीप सिद्धू आ या लखा सधाणा चाहे वह किसान लीडरस है यार जे तुसी आपस च लड़ पे
ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੋ ਕਮੇਣੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਿਆਨ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣ, ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਆਪਸੀ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਆ, ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਐਂਡ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੁਆਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਾਂਗੇ, 115 MLA ਅਤੇ ਸਾਰੇ MP BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ BJP ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਜ ਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਿਵਚਨ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਰਾਹ, ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ 115 ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ? ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਕੜੀ ਬੰਨਗੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ? ਯਾਰ ਕੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵੀਰੇ ਆਪਸ 'ਤੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਬਜਾਜੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
मैं अपील करदा उन्होंने किसान जथेबंदियों नूं भी आपसी मतभेद मिटा के जिहड़े वो इकट्ठियां होण तां जिहड़े पंजाब दे विधायक MLA ने जिहड़े वो भी इस अंदोलन का जिहड़ा हिस्सा बन। तो फिलहाल दे इजाजत कैमरामैन बलजीत दे नाल अंतरप्रीत सिंह खहरा, लिबरल टीवी पंजाबी, सिंघू बार्डर, दिल्ली।